एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी दोनों छोटे छोटे थे। माँ बहुत ज़्यादा गरीब थी। वह मजदूरी कर अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई थी। माँ ने एक दिन बेटे को बुलाकर कहा, बेटा तेरी बहन अब बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर और तुम्हारे जैसा वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव-गांव घूमता रहा, लेकिन बहन के योग्य कोई वर नहीं मिला। वह घूम-घूम कर थक गया। एक दिन बैठे-बैठे उसने सोचा कि मैंने सब जगह ढूंढा, लेकिन मेरे जैसा घर और मेरे जैसा वर नहीं मिला, तो क्यों न मैं ही इससे शादी कर लूं? ऐसा सोचकर वो चुनरी और बाकी सामान घर लेकर आया। बहन ने कहा, ये सब सामान क्यों लाए हो भाई? भाई बोला कि बहन तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन अपने भाई के पास गई और उससे पूछा कि भाई मेरी शादी आप किससे कर रहे हो? तब भाई ने कुछ नहीं जवाब दिया तो बहन सब कुछ समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गायों के गवालों ने पूछा कि वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली और वन में जाकर धरती माता को वह पुकारने लगी कि हे माँ, तू ही मेरी अब लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती माता बोली कि मैं क्या करूं? तब वह बेटी बोली कि हे माँ, मुझे तुम अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। तब धरती माता को उस पर दया आ गई। तब धरती माता फटी और बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती माता में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और गायों के गवालों से पूछा कि मेरी बहन किस तरफ गई है? गायों के गवालों ने कहा कि तेरी बहन उधर गई है। भाई बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माता के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और जोर जोर से रोने लगा कि बहन मुझसे गलती हो गई। बहन तू सत्य के लिए धरती माता की गोद में समा रही है, मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा घर और मेरे जैसा वर मुझे नहीं मिला। मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया था, इसलिए ऐसा मेरे मन में विचार आया, पर मेरे से गलती हो गई। लेकिन धरती माता ने सत्य के लिए बेटी को अपने अंदर समा लिया। जो बाल बाहर रह गए थे वो दोब हो गई। इसलिए औरतें जब कहानी सुनती है और कहती है तो लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को देती है, जिससे धरती माता
खुश हो जाती है और उसके सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो प्रेम से बोलिए, धरती माता जी की जय हो।